तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करके देखना ताकि आप पटकी का कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएं। तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप, कैसे चल रही है गेमिंग, कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में किंकी हम दो पटकी लेके आए जो कि मारना बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें टाइमिंग की भी कोई बात नहीं है। क्योंकि किंकी 6 पटकी, किंकी 22 पटकी में टाइमिंग की बात होती थी तो कि बहुत से लोगों को मुश्किल लगती थी। मैंने सोचा कि आपके लिए एक आसान सी पटकी लेके आते हैं जो कि आप एकदम ईजिली खेल पाएँ। भाई लोग 500 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो भाई चैनल पर जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें ताकि और ऐसे कंटेंट देख पाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, तो लेट्स गो। तो भाई लो हर बार की वीडियो की तरह आपको भी ऑप्शन मोड में चले आना है। फिर से हम करते हैं बटन सेटिंग, की कन्फिगरेशन पे आपको आ जाना है। और बटन सेटिंग करने के लिए आपको करना है, आपको L2 पे कर लेना है LP+LK, R1 पे कर लेना है LK+RK और L1 पे कर लेना है RP+RK और R2 पे कर लेना है LP+RP। आपको एग्जिट आ जाना है, आपको इसको क्या करना है सेव कर लेना है। सेव स्टेट में आके आपको कोई भी स्लॉट में आपको सेव कर लेना है इसको, ठीक है। और आप जब गेम स्टार्ट करो तो लोड स्टेट यानी यहाँ से लोड स्टेट स्लॉट पर आपने सेव करा उस वाले उससे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जल्दी से प्रैक्टिस मोड पर आ जाते हैं, ले लेते हैं किंग। भाई पटकी के मूव बहुत ज़्यादा आसान है और डैमेज भी ज़्यादा ले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार व्यूअर को मैं यानी पटकी के बारे में बता दूं, ठीक है। तो पहला मूव आपको पता है, आपने हैंडल को बस इस तरीके से दबाना है, आपको याला आपको दबाना है, ठीक है। इसको दबाने के बाद आपको R2 को प्रेस कर देना है, ठीक है। ये पहली पटकी आपको मार देगा, या फिर बता देना आपको, आपको वाला हैंडल दबाना है और R2 को प्रेस कर देना है ऐसे, ये पटकी पकड़ लेगा। दूसरा मूव आपको क्या करना है, आपको दो बार आपको ट्रायंगल को दबाना है, उसके बाद एक बार आपको R2 को दबा देना है, ठीक है। इसलिए आपको मूव, आपको मैं मूव खेल के दिखाता हूँ। ये देखिए, दो बार ट्रायंगल और एक बार R2, तो दो पटकी मार देगा, ठीक है। अब तीसरी पटकी के लिए सबसे आसान, भाई तीसरी पटकी का मूव बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, स्क्वायर रेक्टेंगल और आपको R1 तक स्लाइड करना है, स्क्वायर रेक्टेंगल और R1 तक आपको स्लाइड करना है, ठीक है। स्टार्ट, तीसरा मूव भी आपको खेल के दिखाता हूँ, सारे मूव के साथ खेल के देखते हैं। आप दो बार दबा सकते हो ताकि कोई कोई बटन छूट जाता है। ये देखिए तीसरा मूव खेल देगा। चौथा मूव के लिए क्या करना है, आपको बस एक बार राइट एंगल स्क्वायर क्रॉस और सर्कल को एक बार स्लाइड कर देना है, राइट एंगल स्क्वायर क्रॉस और सर्कल को आपको स्लाइड कर देना है। एक बार सारे मूव एक साथ खेल के देखते हैं। ये देखिए चार मूव खेल लेगा, ये चार कोमो 95 का डैमेज है, बहुत अच्छा डैमेज ले जाता है ये। अगर आप आर्केड मोड में मार दोगे तो 75% से ज़्यादा ये डैमेज ले जाएगा। आप दूसरी जो पटकी है उसके कमांड देख लीजिए, भाई दूसरी पटकी यार तीन मूव तक आपको बिल्कुल वैसी पटकी की तरह मारना है, यानी यहाँ तक आपको पहले ऐसे मूव पकड़ना है, वैसे दो बार ट्राइंगल एक बार R2 दबाना है, फिर आपको स्लाइड करना है R1 तक, उसके बाद का बस थोड़ा सा चेंजेस है बताता हूँ आपको क्या करना है। ये तीन मूव आपको ऐसी वैसी मारना है पिछली पटकी की तरह, उसके बाद क्रॉस स्क्वायर और रेक्टेंगल से लेकर आपको R1 तक आपको स्लाइड कर देना है ऐसे करके। स्लाइड करने के बाद आपको R1 पे हाथ रखना है और R2 को दबा देना है, ठीक है। सारे मूव आपको खेल के दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ये देखिए पहले पटकी पकड़ लिया, फिर दो बार राइट एंगल एक बार R2, उसके बाद एक बार स्लाइड कर देना है, फिर सबको स्लाइड करना है। ये देखिए चार कोम्बो 100 का डैमेज, ये 5 ज़्यादा लेके आता है डैमेज, ठीक है। तो दोनों आपको मैंने पटकी बता दी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।